हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे पत्ता गोभी मटर की सब्जी बनाने के बारे में। बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी होती है। चलिए बताते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले देखिए, हमने एक पत्ता गोभी मीडियम साइज का, फ्रेश था मेरा पत्ता गोभी, उसे हमने कट कर लिया है इस तरह से। और मटर ले लिया है हमने लगभग एक कटोरी। चलिए बताते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले हमने गैस को ऑन किया, उस पर रखी कढ़ाई और उसमें डाल दिया हमने सरसों का तेल सब्जी को बनाने के लिए। अब इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग। इसके बाद में हम डालेंगे जीरा आधा चम्मच, क्योंकि हमारे पत्ता गोभी जो है मात्रा कम है, इसलिए हम आधा चम्मच डालें। आपकी ज्यादा हो तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज कट करके, 5 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक की बाइट लगभग 1 इंच कट की हुई। अब इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारी जो प्याज है हल्की सॉफ्ट नहीं हो जाती। इसे गोल्डन नहीं करेंगे, हम सॉफ्ट करेंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर। टमाटर डालने के तुरंत बाद हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। तुरंत बाद नमक इसलिए डालते हैं ताकि टमाटर हमारे जल्दी गल जाए और समय भी बचे। इसलिए हम टमाटर डालने के बाद भी तुरंत बाद हम नमक डालते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे मसाले, आधा चम्मच मसाले यूज करेंगे। आज हम बताएंगे कम मसाले में स्वादिष्ट सब्जी पत्ता गोभी और मटर की। इसमें हमें मसाले को भूनना नहीं है, इसके ऊपर से हम पत्ता गोभी को रख देंगे और चलाएंगे नहीं थोड़ी देर। नीचे मसाले पक जाएंगे और पत्ता गोभी भी हल्की सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद ही हम चलाएंगे इसे। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे मटर। ऊपर से मटर को डालने के बाद में इसे किसी ऐसी चीज से ढक देंगे ताकि भाप बाहर ना निकले। चलिए इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद में गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 10 मिनट बाद चेक करेंगे। आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा। देखिए हमने खोल लिया है इसे, देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। मटर भी हमारा लगभग हो चुका है। इस तरह से ढकने से यही फायदा होता है कि आपकी जब पत्ता गोभी होती है वो भी पक जाती है, लगभग सॉफ्ट हो जाती है, और मटर भी पक जाता है भाप से। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। मसाला भी नीचे से अच्छे से पक चुका है। पत्ता गोभी की सब्जी जब भी बनाए इसी तरह से बनाइएगा, सारे मसाले रख के उसके ऊपर से पत्ता गोभी और उसके ऊपर से मटर रख दीजिएगा, तो मटर भी पक जाएंगे और पत्ता गोभी भी पक जाएगी। ये तरीका बहुत ही अच्छा है और आसान है, तो हर कोई कर सकता है। इस तरह से इसे चला लेंगे। अब इसे चलाते हुए पकाएंगे। चलाने के बाद में फिर से इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए दोस्तों, पक चुकी है हमारी पत्ता गोभी मटर की सूखी सब्जी। आप भी इस तरह से बना के खाइए। चलिए इसे निकाल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारी पत्ता गोभी मटर की गर्मा गर्म सब्जी। आप भी इस तरह से बना के खाइएगा। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आया हो, अगर आपको बनाने में आसानी महसूस हो हमारे तरीके से, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।